शादी वगैरह में दावत वगैरह में दिए जाते हैं, कैसे इन सारी चीज़ों का भाई निर्माण करता है। अच्छा, अभी फिलहाल ये चाय के कुल्लड़ वगैरह बना रहे हैं आप? जी आप बताना क्या क्या रखा हुआ है आपके यहाँ पे? ये कलश रखे। अच्छा, ये कलश है। अच्छा, दीपक आपके यहाँ? दीपक भी है, कलश भी है आपके यहाँ, चाय के कुल्हड़ भी है। अच्छा, चाय के कुल्हड़ भी है आपके यहाँ? कुल्हड़ भी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दूध के कुल्हड़ भी है। जैसे ये कुल्हड़ वगैरह दुकान वाले आपके यहाँ आते होंगे, आपके यहाँ लोगों को दे देते होंगे, है ना? और ये आप मुझे चल के थोड़ा सा मिट्टी वगैरह दिखा दोगे? अच्छा अच्छा, ये आपके यहाँ सूखी मिट्टी डला है, इसमें से ले लेते हो आप? अच्छा 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 अच्छा, इसमें तो थोड़ा सा निकालिए, हाथ में निकाल के दिखाइए थोड़ा। आपके यहाँ ये तो बड़ा अच्छा मिट्टी रखा है आपके। अच्छा, ये गीली मिट्टी रखा है। अच्छा, जैसे इसको ले जाते हो फिर सूखी को कैसे मिक्स करना पड़ता है इसमें? ये सूखी का इसी में मिक्स होती है। अच्छा, सूखी। और हमको ये दोबारा थोड़ा चालू करके दिखाएंगे, कुछ बताएंगे अपने बारे में भैया? 300-400 रुपये। अच्छा, 300-400 रुपये भैया डेली के आपके हो जाते हैं भैया? परिवार में भैया आपके कितने लोग हैं? आपके बहन भाई कितने हैं? बहन भाई नौ। अच्छा, नौ। आपके नौ बहन भाई हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया जी? मेरा नाम रूप सिंह। अच्छा, आपका शुभ नाम रूप सिंह है। और आप भैया किस गांव से हैं? समाई। अच्छा, समाई से हैं। आपका नाम रूप सिंह है। ठीक है, फिर आपने भैया पढ़ाई वगैरह कहाँ तक कर रखा है? आठवीं पास। अच्छा, आठवीं पास कर रखा है और ये विचार आपके आ गया यहाँ पे? भैया आपके पापा वापा भी क्या करते थे? यही काम करते। अच्छा, ये काम करते थे। और जो भैया आपके ये नौ भाई हैं, उसमें से कोई भैया पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहा है रेगुलरली? नहीं। अच्छा, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, सब लोग ज्यादातर बर्तन का काम करते हैं।